गुजरात टाइटंस की जीत के साथ ही आईपीएल का 15वां सीजन खत्म हो चुका है। पहली बार आईपीएल में शामिल की गई गुजरात की टीम और इसके खिलाड़ियों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस सीजन बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही 5 बड़े नाम जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने सभी को निराश किया। पहले हैं रोहित शर्मा। रोहित इस सीजन एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा सके, ये उनके करियर का सबसे बुरा सीजन साबित हुआ है। रोहित ही क्या, मुंबई इंडियंस के लिए भी ये सीजन किसी बुरे सपने की तरह गुजरा। वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे। वहीं रोहित ने 14 मैचों में सिर्फ 268 रन बनाए और उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला। रोहित शर्मा इस पूरे सीजन में सिर्फ 6 बार ही 20 का आंकड़ा पार कर पाए। नंबर 2, विराट कोहली। पिछले 2 सालों से महज औसत प्रदर्शन कर रहे विराट कोहली का बल्ला आईपीएल के 15वें सीजन में भी ज्यादा हल्ला नहीं बोल सका। कोहली ने 16 मैचों में 22.73 के औसत से सिर्फ 341 रन बनाए। 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोहली का किसी आईपीएल सीजन में औसत 25 से कम रहा हो। नंबर 3, रविंद्र जडेजा। जडेजा की कप्तानी में सीएसके और खुद जडेजा का प्रदर्शन इस सीजन बेहद खराब रहा। जडेजा ने 10 मुकाबले खेले, इनमें उनके बैट से सिर्फ 116 रन निकले। गेंदबाजी में भी जडेजा को 10 मैचों में सिर्फ 5 विकेट मिले। साथ ही दुनिया के बेस्ट फील्डरों में गिने जाने वाले जडेजा ने इस सीजन मैदान में कई आसान कैच भी छोड़े। नंबर 4, ऋषभ पंत। अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए फेमस पंत ने इस सीजन 14 मैचों में सिर्फ 16 छक्के लगाए। रनों की बात करें तो उनके बल्ले से इस सीजन 340 रन निकले। इसके अलावा पंत इस पूरे सीजन कप्तानी के दबाव में दिखे। पंत ने कई अहम मौकों पर आसान कैच टपकाए और समय पर रिव्यू भी नहीं लिया। नंबर 5, मोहम्मद सिराज। आरसीबी ने इस सीजन सिराज को 7 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था, लेकिन सिराज ने अपनी टीम मालिकों और फैंस को बुरी तरह से निराश किया। सिराज के लिए ये सीजन कितना खराब गया इसका अंदाजा आप उनके इकोनॉमी रेट से लगा सकते हैं। उन्होंने 10.08 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन लुटाए। वहीं 15 मैचों में सिराज ने सिर्फ 9 विकेट लिए और उनका औसत 57.11 का रहा।